घुस जा भाई प्रोमो में, घुस जा एक काम कर प्रोमो में घुस जा। मोहाली लग ही नहीं रहा इंडिया में लिटरली। ऐसा क्रस्ट वाला पिज्जा मैंने फर्स्ट टाइम खाया। क्या हाल है सबके, आज सुबह आप सभी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे भाई। सुबह के 5 बज रहे हैं, 4 बजे मैं उठ गया था, नहा धो चुका हूँ, चंडीगढ़ निकलना है। 5:15 हो चुका भाई, 5:30 बजे टैक्सी आ जाएगी। भानवे की कंपनी ने ही कैब करवा रखी है और वहाँ चंडीगढ़ में पहुँचते ही भानवे के दोस्त आ जाएंगे। कुछ कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं डेली ब्लॉग डालो, बुरी हाय बोल रहे हैं। दोबारा से मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उस ट्रैवलिंग का मैं एक एक दिन भी क्यों वेस्ट करूँ। तो डेली ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगा, डेली तो नहीं, हफ्ते में मतलब 5 दिन, 2 दिन मेरे मकबैंग रहते हैं और 2 दिन उसकी एडिटिंग, तो 2 दिन पूरा एडिटिंग मकबैंग की और बाकी 5 दिन ब्लॉग्स जाएंगे प्रॉपर डेली ब्लॉग्स। कौन सा परफ्यूम है? YSL भाई, मैं तो अपना वही लगा लेता हूँ डियोर का। तेरा यूज़ करूँगा तो तू बता सकता मेरा यूज़ करता है। कर लो यार, एलिक्सिर लगाता हूँ आज, तू बता जल्दी बता भाई। कोई सा भी लगा लो भाई, रेप्लिका ही लगाता हूँ, छोड़ बेकार है भाई। कोई नहीं, तो मेरे को फोन, मेरे को तो ऐसे ही बदलू ना है। 4 बजे से पूरा हल्ला काट के अब आराम कर रहा भाई खुद। मैंने इतनी महंगी केबल खरीदी थी कार के लिए, अब नए आईफोन आ गए सी टाइप, अब इस केबल का क्या करूँगा मैं, अगर खरीद लिया तो नहीं खरीद रहा हूँ। ओके बाय बाय। भाई 7:05 अपना पहला स्टॉपेज शिवा टूरिस्ट ढाबा। ड्राइवर साहब को चाय पीनी थी। माइंड यू पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक मैं दोबारा से इसी रास्ते से, सहारनपुर वाले रास्ते से अपना पंजाब निकलूँ, कि वही वाला रास्ता जिससे मैं नोएडा जाता हूँ, बस अब सहारनपुर से होते हुए अपन चंडीगढ़ के लिए कट जाएंगे। बाकी आज भाई मैंने एक जूते टाइट करे हैं बढ़िया करके, तो आज इनका एक अलग ही लुक आ रहा है। देख लो डेप्थ, देखो मैं किस हद तक खाने में घुस चुका हूँ। एक वो होता है ना कि आपकी ऐसी नज़र पड़ती है एक जगह से, फिर आप में मुड़ जाते हो, बट आपको आइडिया हो जाता है कि क्या लिखा होगा। तो यहाँ देखो मेरा फर्स्ट वो था केसर की स्पेशल चाय। पता नहीं क्यों हर जगह मुझे बस खाने की चीज़ें दिखाई देती हैं, पर भी मैं खाना ही रहूँ। मक्खी को पका रहे हैं। ये देखो ड्राइवर भैया ने सही बताई, अभी इस ट्रक में ये देखो 70 किलो डलती है भाई, इसमें 70 किलो CNG, जिसमें वो मात्र 300 किलोमीटर चलेगा ये ट्रक। ट्रक्स में अब डीजल वगैरह डलना बंद हो गया भाई, कोई नहीं डला आयशर के ट्रक्स में। नया रास्ता देखने को मिला भाई, मत कसम से उस सारे रास्ते से तो ऐसा हो गया था, अब चप्पा चप्पा देख लगा मैंने उसका, फाइनली नए रास्ते में आया तो मेरे को अच्छा लग रहा था। तो मंदिर देख रहे हैं ना, मंदिर भी ऐसे बने हुए हैं जैसे वो, घुस जा भाई प्रोमो में, घुस जा एक काम कर प्रोमो में घुस जा। और वो मंदिर सारे मतलब बहुत सारे मंदिर ऐसे दिख रहे जिनका जो आर्किटेक्चर टाइप उसकी तरह, जैसे गुरुद्वारे के होते हैं ना गोल 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 गोल, वैसे ही कर रहे हैं मंदिरों में, मस्त लग रहा है। वो भी मंदिर था ऐसे, जैसे देखेगा ऐसे गोलाई वोलाई ज़्यादातर गुरुद्वारे वाले में रहते। आ जाओ भाई, शहर के बीचों बीच देख लो बगीचा, सड़क के इस साइड भी और सड़क के उस साइड भी प्रॉपर बगीचा भाई। मतलब ऐसे में टहलने में भी मज़ा आता है, वॉकिंग करने में मज़ा आता है, बेहतरीन यार, वेरी नाइस। यहाँ भी सड़क और थोड़ी कर सकते बट नहीं, प्रायोरिटाइज किया है वह हरियाली भी होनी चाहिए। देखो हरियाली ही हरियाली है, बहुत ही बढ़िया, आई लाइक इट। ये तो प्लानिंग से बनाई है ना भाई, चंडीगढ़ तो प्लान सिटी है इसीलिए ऐसा बना है, सारी सिटीज ऐसी होनी चाहिए। तो अच्छा लगता है ऐसी जगहों में आके, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन। वो तो देखो बार बार पेड़ के नीचे। हाँ तो भाई 10:10 पहुँच चुके हैं अपन चंडीगढ़, भानुभा का जहाँ मेडिकल होना है एग्जैक्ट वहीं आए हैं। अजरावर भैया भी यहीं आ रहे हैं, अजरावर भैया भानुभा के दोस्त हैं कॉलेज। क्या हाल है? अजरावर भैया बानवे के, यहाँ गाड़ी खड़ी करनी अलाउड है? मैं पार्किंग करके अंदर कर दे, चल सी
भाई अभी जा रहे हैं हम थर्ड वेव कॉफी भानुभैया का मेडिकल का, थोड़ा वेट कर रहे हैं क्योंकि भैया ने बोला कि जल्दी हो जाएगा। भैया ने नेशनल रिप्रेजेंट कर रखा है गुजरात फुटबॉल में। अभी भी भैया रनिंग करते हैं, आज सुबह ही 7 किलोमीटर रनिंग मार के आए हैं। पापा क्या हैं आपके? पापा रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर। रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर, बताओ भाई साहब एकदम डिसिप्लिन फैमिली के लोग। हम द फर्स्ट वन टू जॉइन मर्चेंट नेवी, अदरवाइज सब आर्मी में सब। भाई साहब भैया एक घर देखो, मतलब ऐसा होना चाहिए घर, बाहर इतना एरिया खाली, एक बंदा साफ सफाई के लिए, बाहर तुम पत्ते उठाओ बस, अंदर पार्किंग भी प्रॉपर, तगड़ा यार। टू वियतनामीज चिकन आइटम, वन रेगुलर वन वीगन। तो भाई चंडीगढ़ की शुरुआत थर्ड वेव की वियतनामीज चिकन आइटम के साथ कैसी हुई भैया? बस बहुत नाइस, वेरी नाइस। आलमंड मिल्क में करवाई है, थोड़ा सा मेरे को बेटर लगता है उसका टेस्ट, बट नॉर्मल भी अच्छी होती है। हाँ इन्होंने बोल ही दिया था भाई, चंडीगढ़ में हॉर्न मारना भी बैन है, चलान है। तो फाइनली 2 बजे ये आ रहे हैं वापसी, अब इनका मेडिकल मेडिकल सब हो चुका है, अब चलते हैं जरा थोड़ी सी पेट पूजा करने। तो भाई आ चुके हैं अपन सेक्टर 17, सबसे पहले भैया लेके आए हैं। बिफोर इलांटे मॉल दिस यूज्ड टू बी द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन चंडीगढ़, और अभी भी काफ़ी हैपनिंग है, बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो सेंटर में यहाँ चंडीगढ़ का पूरा मैप बना हुआ है भाई, मतलब कुछ अलग चीज़, पहली बार देखी मैंने कुछ ऐसी चीज़। ट्रैफिक पार्क, गवर्नमेंट योगा कॉलेज, स्विमिंग पूल, सब नाम वगैरह के साथ, सेक्टर वगैरह के साथ प्रॉपर एक प्रॉपर मैप बना रहे भाई, क्या सही है भाई, खतरनाक। थर्ड वेव की कॉफ़ी के बाद आ चुके हैं अपना लखनऊ 17। यहाँ से अजरावर भैया ने बोला कि सॉफ्टी लोग बहुत खाते हैं यहाँ से, तो ट्राई कर लेते हैं भाई क्या है सीन। मैंने कमेंट्स में देख लियो, लोग बोलेंगे कि 17 चटनी की सॉफ्टी जो चंडीगढ़ वालों का है। वाह भाई ये देखो जरा, तगड़ा भाई, बहुत बड़ा यार यहाँ भाई साहब, कितना बड़ा भाई भाई, मस्त हो रही यार। हाँ जेम्स वगैरह डाल रखे भाई, बढ़िया। और ये चीज़ बढ़िया नहीं, मतलब भाई आपके हाथ उस गंदे हो जाते, बट इसमें भाई यहाँ आके वो इकट्ठा हो जा रहा है जो पिघल रहा है, बहुत ही कॉन्सेप्ट है यार, टेस्टी भी वो तो मस्त है। दोबारा देख लो लखनऊ 17 है ना, सेक्टर 17 के अंदर। तो भाई कई एक साल पहले करली टेल्स का वीडियो आया था विष्णु कौशल के साथ, विष्णु कौशल यहीं के हैं चंडीगढ़ के, तो उसमें उन्होंने दिखाया था ये सेक्टर 7C का अवन फ्रेश। उनका कहना ऐसा था कि अवन फ्रेश के भाई पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं, ऑल दो उन्होंने चिकन पिज्ज़ा ट्राई करा था, बट आज सैटरडे तो अपन वेज पिज़्ज़ा ही ट्राई करने वाले हैं। ऐसा कुछ है पीछे मेरे कैमरे ने कैप्चर कर ली वो चीज़, भानु भैया और अजरावर भैया वहीं से निकले जस्ट मेरे साइड से, बट मैंने उनको नोटिस नहीं किया, मैं पूरा एक चक्कर मार के आया भाई, और उसके बाद ये लोग मिले मुझे यहीं। ऑर्डर को उसने बोला 35-40 मिनट्स लेंगे एक पिज्ज़ा के लिए, मेरे को देखना है कि ये दोनों कहाँ गए। उन्होंने उस वाले वीडियो में एक बंसल अमृतसरी कुलचे वाले भी ट्राई करवाए थे, मतलब विष्णु कौशल ने ट्राई करवाए थे करली टिल्स को, जो भी है उनका नाम, तो वहाँ भी जाना है, बट वो जगह बंद हो जाती है 4 बजे, और भाई 3 ऑलरेडी बज चुका है, तो मैं इनको बोलता हूँ चलो वहीं चलते हैं और फिर वापसी में पिकअप कर लेंगे। 35-40 मिनट लेंगे यहाँ तो क्या। हाँ अब अपन लोग निकल रहे हैं बंसल अमृतसरी कुलचा, वापसी में यहाँ से पिज्ज़ा उठा लेंगे अपन। तो ये हो गया अपना चंडीगढ़ ख़त्म, और यहाँ से पंचकुला स्टार्ट हो चुका है, तो दोनों ये मतलब ट्राई सिटी बोलते हैं, चंडीगढ़ मोहाली और अपना पंचकुला। ये पंचकुला एंटर मारते ही अजरावर ने हॉर्न बजाया, चंडीगढ़ में अलाउड नहीं था। गाय भी दिख रही है आप। तो एकदम से ही मतलब माहौल सब बदल चुका है पंचकुला में भाई, ये बंसल अमृतसरी कुलचे वाले, और पंचकुला आता है अपना हरियाणा में। तो भाई पंचकुला एंटर करने के 5 मिनट बाद ही आ गया है बंसल अमृतसरी कुलचा, और भाई खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा बेहतरीन भाई, देखो ऐसा है बहुत ही मतलब बेहतर लग रहा है एकदम पुराने, बट चलो देखते हैं भाई क्या सीन है अंदर, पूरा सेटिंग एरिया घर लगा भाई, देख लो ऊपर भी सेटिंग एरिया है,
वी आर द फर्स्ट इन इंडिया हु आर सर्विंग स्पेशल आटा कुल्चा। और जलंधर में मैंने बता रहे कितने का 40 रुपये का कुल्चा है, 40 का तो कुल्चा लैंड में। और यहाँ बंसल स्पेशल 100 कुछ का बना है और अनियन वाला कुल्चा 95 का भी। ये वाले कौन से हैं? ये चूर से कुछ स्पेशल सब्जी बाहर कुल्चा। ये बंसल भाई, ये रहा बंसल स्पेशल कुल्चा, एक बटर आ रखा है, थोड़ा सा छोले चटनी और प्याज, और ये है अनियन विद मेथी कुल्चा, सेम कन्फिग्रेशन। ओए ओए काफ़ी क्रिस्पी है, आवाज़ आ रही है चर 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 चर। सिर्फ और सिर्फ बटर के साथ ट्राई करके देखते हैं, छोलों के साथ उसके बाद ट्राई करेंगे। भाई बढ़िया हो रहा है, जरा छोलों के साथ भी ट्राई कर लेते हैं, छोटू सा भाई बड़े। मिक्स टेस्ट आ रहा है, ऐसा समझ लो कि जितने उनके आइटम्स थे उन्होंने सारे एक कुल्चे में डाल दिए और उसका अमैलगमेशन बना दिया। इसमें आलू भी है, अनियन भी है, सब कुछ है। बहुत ही उमदा, बड़ा सा बाइट लेते हैं। लेयर काफ़ी क्रिस्पी है ना, क्रिस्पी हो रहा है बढ़िया। नहीं करा रहे थे वही ना, बस ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ ये वाला मेरे को भी ज़्यादा अच्छा लगा, इतना थिक होने के बाद भी क्रिस्पी है नीचे नीचे से और ऊपर से सॉफ्ट है। भाई भाई क्रिस्पी ऐसा हो रहा है जैसे पैटीज होती है ना। हाँ ये उससे टूट रहा नहीं। हाँ और तो ये बेटर लगा, अनियन एंड मेथी जिसको मिक्स वेज ठीक लगती है उसको भी अच्छा लगता है। बाकी भाई अपना ओवन फ्रेश से भी कॉल आ चुका है कि पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, उनको मैंने बोल दिया 15-20 मिनट में आते हैं, ये फिनिश करते हैं और चलते हैं। भाई बंसल अमृतसरी कुल्चा, ब्रदर्स अमृतसरी कुल्चा और यहाँ जय माँ अमृतसरी कुल्चा, तीनों आजू बाजू हैं। और भाई ट्रस्ट मी तीनों में भीड़ थी, मतलब मैंने देहरादून में भी अमृतसरी कुल्चा खाए बट नोवेयर क्लोज। जो भी लोग बोलते थे कि भाई यहाँ इस साइड आके आप अमृतसरी कुल्चे ट्राई करो तो आपको अलग ही फील आएगा, भाई सीरियसली मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। और अगर आओ तो बंसल स्पेशल से बेटर मेरे को लगा अनियन विद मेथी कुल्चा। बढ़िया था, मज़ा आ गया लिटरली, मतलब वर्थ ट्राइंग का है। जलंधर में आपने खाया था, वहाँ कैसा था? वहाँ भी बेहतरीन थे, मगर यहाँ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इन वालों में फ्लेकीनेस ज़्यादा थी। वहाँ तो क्योंकि कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है ना वो एरिया में, तो नॉर्मल है तो बिल्कुल नॉर्मल बनाते हैं। यहाँ इन्होंने थोड़ा स्टफिंग ज़्यादा कर रखे बना रखा है, बट बहुत अच्छा था ये, मतलब ये अच्छा था। मैं आया हूँ इस जगह आया हूँ लेकिन कुलचे कभी नहीं खाए। तूने कुलचे कभी खाए ही नहीं है? फर्स्ट टाइम खाया है कुलचे? खाया है लेकिन इधर वो लोकल वाले नहीं खाए। वैसे कहाँ पे लोकल घर भर में जो नॉर्मल तो बनते हैं। चलो भाई पहुँच चुके हैं, जरा फटाफट से अपना ऑर्डर लेते हैं और निकलते हैं। तो भाई अभी जा रहे हैं अपन लोग चंडीगढ़ के आईफिल टावर में, या तो वहीं इसका भी वीडियो बना लेंगे कि भाई ये कैसा है। ये देख लो, ये रहा देखो चंडीगढ़ का आईफिल। ओ भाई साहब गार्डन प्रेस करके ऐसा कुछ था इसका नाम। बाकी ओरिगैनो चिली फ्लेक्स दे रखे हैं, सॉस के पाउच दे रखे हैं, थोड़े से नैपकिन दे रखे हैं और दिखने में भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। कितने का पड़ा भाई तेरे को पिज्जा? ये है भाई 600 का। सही है उस हिसाब से ना। ओके है कुछ खास? आप ये देख रहा हूँ क्रस्ट इतना थिक होने के बाद भी ना यहाँ फ्लफी है ना, स्मूथ मिल रहा है। तू पहले एक स्लाइस तो खा ही लेगा, आधा क्या होता है उसको? नीचे नहीं नीचे जा रहे, काफी सॉफ्ट है यार। हैं बहुत सॉफ्ट है, क्रंच डोमिनोज जैसा नहीं है, हार्ड जैसा नहीं है, पत्थर जैसा नहीं है, जैसा सख्त हो जाता है थोड़ी देर बाद। थिन क्रस्ट वाला भी नहीं है और अपना थिक क्रस्ट वाला भी नहीं, अलग ही पता नहीं कैसे कर रखा भाई। मतलब ये वैसा वो कुलचा जैसा क्रस्ट है इसका, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। भाई साहब नाइस,
मैंने तो उनको बोला भाई बेस्ट कौन सा है वेज में बता दूँ, उन्होंने ये बताया तो मैंने यही ले लिया। अगर आपका कोई पर्टिकुलर फ्लेवर है जो आप ट्राई करना चाहते हो तो भाई इस क्रस्ट के साथ वो फ्लेवर बहुत ज़्यादा तगड़ा लगने वाला है। मट फ्राई खमीरा उठता है जो बोलते हैं जिसको, बिल्कुल ऐसा फ्रेश है, बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं कैसे ही बना रखा है, बट ऐसा क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा मैंने फर्स्ट टाइम खाया। नीचे से भी देखो क्रस्ट इसका ऐसा, पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा क्रस्ट, मतलब पीछे देख के लग भी नहीं रहा कि पिज़्ज़ा है। इसका टेस्ट ना बिल्कुल वैसा है देसी सब्जी जैसा ऊपर, बहुत मतलब देसी वो आ रहा है, हेफ्टी भी है लेकिन खाने में बहुत लाइट लग रहा है। ऐसा क्रस्ट कहाँ होता है भाई, ये देख लो क्रस्ट बिल्कुल स्पंजी है, स्पंजी भाई, चीज़ भी देखो बढ़िया करके डाल रहा है। ओए होए पिज़्ज़ा में ये चीज़ बहुत सही थी कि अनसन चीज़ वीज नहीं भरा हुआ था बहुत सारा, कि बस जीव साहब हैवी लगे कि बस चीज़ खा रहे हैं, इसमें मतलब प्रॉपर फ्लेवर आ रहा था, फ्लफीनेस थी ना वो उसकी क्रस्ट की ही थी, मतलब यूजुअली ऐसा लगता है कि उसके अंदर चीज भरा है लेकिन उसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं था, वो फ्लफीनेस थी उसकी, ब्रेड ऐसे फूलती है बनाते हैं यीस्ट की वजह से जो, वही वो बस वो उतना वैसे ही फ्लफी फूला हुआ था, और सच बता रहा भाई इतना मस्त देसी टच था उसके, मजा आया था। चंडीगढ़ गए और हम इनको पहली बार ये दोनों जगहें ट्राई कराई, अब से ये यही करेंगे। थर्ड वेव कॉफी भी इन्होंने वो कर लिया कि एक तो थर्ड वेव कॉफी जाना है और अपना ये पिज्जा वाला प्लेस। तो यहाँ चंडीगढ़ हो जाता है खत्म, अब यहाँ से है अपना पंजाब स्टार्ट भाई, क्योंकि भैया का घर पड़ता है मोहाली में। अजरावर भैया ने बताया कि भाई यहाँ पंजाब में एक अनोखा रूल है कि लड़कियों को हेलमेट ऐसा कंपलसरी नहीं है, श्रद्धा है पहनना चाहती है तो पहन ले, नहीं तो कोई बात नहीं, बट हाँ चंडीगढ़ में आगे पीछे दोनों को पहनना होता है, बट पूरे पंजाब में ऑल ओवर पंजाब लड़कियां बिना हेलमेट के चल सकती हैं। ये भी सही है, मोहाली बना तो बढ़िया रखा, मेंटेन सही कर रखा है, यहाँ देख लो ग्रीनरी मस्त है यार, खुला खुला देख रहे भाई, उधर इंटरनेशनल स्कूल, अच्छा स्कूल है भाई, बढ़िया है। अंडरग्राउंड मॉल बन रहा है, अंडरग्राउंड मॉल तो बन रहा है मोहाली सिटी सेंटर, लग ही नहीं रहा मोहाली, लग ही नहीं रहा इंडिया में लिटरली, है ना एकदम प्लानिंग से होता है ना काम, बहुत मजा आता है और बहुत मतलब सुमड़ी में हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है बाहर में, तो चंडीगढ़ और मोहाली दोनों जगह के भाई बहुत अच्छा लगा, ओपन ओपन है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ मिस आउट करी है इन्होंने, सब चीज़ है भाई, जिस नेम इट आपको देखो आउटलेट्स मिलेंगे मैकडी वगैरह, बट स्टिल मैकडी डोमिनोज बास्किन रॉबिन्स सब कुछ है, ये क्या मजा है, बट यहाँ देख रहे हो जगह सड़क इतनी चौड़ी चौड़ी खुला खुला ओपन ओपन। तो ये था भैया का घर, गांड टेंपल से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अब आएंगे जब पंजाब के टूर में तब एक चक्कर यहाँ का भी लगाते हुए जाएंगे हल्का सा रुक के भाई, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ये खुला खुला माहौल, आहा इतना प्यारा नज़ारा सामने भाई, मज़ा आ गया मोहाली, मज़ा स्वाद आ गया, एक मोहाली आ गया। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा, भाई मोहाली आके मज़ा आ गया, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं इनके घर के पास यार, मेरा तो कसम से दिल नहीं मान रहा वापसी जाने का, बट क्या करें जाना है। ओके भैया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मिलते हैं बहुत जल्दी, बिल्कुल जी बिल्कुल आराम से, नेक्स्ट टाइम नाइट लाइफ, चलो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया भाई मोहाली, दिल जीत गया मोहाली ने, 6:20 हो चुका है निकलता है, एग्जैक्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्रस्ट, मज़ा आ गया। ओवरऑल चंडीगढ़ का फूड टूर छोटा था भले ही, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट था, मतलब जो भी हमने आइटम्स ट्राई करे वो बेस्ट ऑफ बेस्ट आइटम्स है, तो मस्ट ट्राई आइटम्स है भाई। मैं सेम रूट पे ट्रैवल कर रहा था बहुत टाइम से नोएडा वाले में, तो यहाँ आके ना मुझे ऐसा लगा कि मैं नई जगह घूमा, अच्छा लगा,
ऐसा लगा मेरे को कि यार चलो कुछ मैंने नया एक्सप्लोर करा, एक नई जगह दिखी और बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मतलब वो होता ना ट्रैवलिंग वाला सुकून, बहुत टाइम बाद मुझे मिला। आगे भाई हम वापस। देखो ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था बट देहरादून वापस आके नहीं, बल्कि ये देख के कि यार एक ही कंट्री के दो डिफरेंट स्टेट्स में, दो डिफरेंट सिटीज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है यार। हाँ 10:35 पर पहुँच चुके हैं। यार बात है कुछ ऐसी, हम घर पहुँचे तो पिज़्ज़ा के दो स्लाइस बचे हुए थे, तो हमने सोचा यार इसमें तो कुछ होगा नहीं और ईटिंग विंडो भी खुल जाएगा तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। तो घर के पास ही अपना गागर रेस्टोरेंट, वहाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाते हैं। तो दाल तड़का और पनीर मेथी मलाई और तंदूरी रोटी करी है। ये थे वो दो स्लाइस बचे हुए, ये अपन लोग करते हैं अपना खाना इंजॉय। 11:30 बजने वाला है। आई जस्ट होप जितना मज़ा मुझे आज के ब्लॉग को रिकॉर्ड करने में आया उतना ही मज़ा आप लोगों को ये ब्लॉग देखने में भी आया हो। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।